मंत्री विजय शाह ने सरकार से प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की मांग की है। इस मांग का बीजेपी ने समर्थन किया है, तो वहीं कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले संघ के मुख्यालय में इसको शुरू करो। सरकार 20 साल से सो रही थी। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव का जो जनादेश आया है, उसके बाद ये सब बातें हो रही हैं। मदरसे में राष्ट्रगान को लेकर मुस्लिम समाज में भी अलग अलग राय है। कोई समर्थन कर रहा है तो कोई बगावती तेवर दिखा रहा है। मंत्री विजय शाह का बयान, अनिवार्य हो राष्ट्रगान। शिक्षण संस्थाएं, चाहे मदरसे हो, गुरुद्वारे हो, या कोई भी स्कूल हो, अगर वो गवर्नमेंट गेट ले रहा है तो झंडा वंदन और जनगण मन अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मंत्री महोदय ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मैं तो उनका स्वागत करता हूँ इस बात का और तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूँ। बीजेपी राजी, कांग्रेस को एतराज। स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, गुरुकुल हो, जहाँ जहाँ शिक्षा के घर हैं या जहाँ जहाँ शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर राष्ट्रगान होना चाहिए। इनको ये नहीं दिखा कि संघ कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया जाता है। संघ कार्यालय, संघ जो है लगातार राष्ट्रगान का विरोध करता है। संघ तो सिर्फ बहाना, कांग्रेस का कहाँ है निशाना। और प्रचंड जनादेश आया इनके खिलाफ कि नहीं, हमें अब संविधान का विरोध नहीं करना है, हमें देश की बात करनी है, तो अब ये खुलकर बात कर रहे हैं इनके मंत्री। मदरसों में राष्ट्रगान, मचा घमासान। अफसोस की बात यह है कि वो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जिन्होंने खुद कभी अपने मुख्यालयों पे ध्वजारोहण नहीं किया। मध्य प्रदेश में राष्ट्रगान को सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य करने की मांग पर संग्राम छिड़ गया है। इशारों ही इशारों में कांग्रेस ने भी एतराज जता दिया है। आज इसी पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले महाडिबेट आज की किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, उन सवालों पर डाल लेते हैं नजर। तो पहला सवाल महाडिबेट का आज रहेगा, राष्ट्रगान की मांग पर तकरार क्यों? बीजेपी राजी तो कांग्रेस को एतराज क्यों? राष्ट्रगान पर आखिरकार क्यों मचा है सियासी संग्राम? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी आज की महाडिबेट। हमारे साथ खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है, मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पैनल में बीजेपी के विधायक हैं आशीष शर्मा जी, इम्तियाज अली जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही दिनेश निगम त्यागी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता के हम पैनल को ज्वाइन करने का इंतजार करेंगे और आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले शुरुआत में दिनेश निगम त्यागी जी आपसे करती हूँ, क्या लगता है आपको कि जिस प्रदेश में बीजेपी की लंबे समय सरकार चलती आ रही है, उस प्रदेश में अब जब वर्तमान सरकार को 200 दिन से अधिक का समय हो चुका है, तब मंत्री का ये बयान आना कि राष्ट्रगान को अनिवार्य कर देना चाहिए, बयान क्यों? अनिवार्य करना है तो कदम उठाइए, बयान क्यों? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और मंत्री जी ने भी कुछ गलत नहीं कहा है। ये जिन मंत्री जी ने आज ये बोला है वो जनजातीय विभाग के मंत्री हैं। पहले कभी उनके पास स्कूल शिक्षा हुआ करता था, जब स्कूल शिक्षा उनके पास था तब उन्होंने इसको लागू करने की बात कही भी थी कि हर जगह ध्वजारोहण होना चाहिए, हर जगह राष्ट्रगान होना चाहिए, हर स्कूल में, हर संस्था में। हमारा तो कहना तो ये है कि भाई जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें गवर्नमेंट एड मिलती हो चाहे ना मिलती हो, अगर राष्ट्रगान की बात आती है, ध्वजारोहण की बात आती है, तो इस पर विरोध क्यों होना चाहिए? राष्ट्रगान पे सबको एक मत होना चाहिए, सब बच्चों को और कांग्रेस को भी यह समझना चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव में सब हाल देखे हैं, जैसे पिछले चुनाव में मान लीजिए राष्ट्रीयता का मुद्दा देश में चला था, एक एयर स्ट्राइक हुई थी तो पूरे देश में भाजपा का माहौल बना था, राष्ट्र सबसे ऊपर होता है। हाँ। ये भी राष्ट्र से जुड़ा ही मुद्दा है, राष्ट्रगान हो, ध्वजारोहण हो, ये राष्ट्रीय मुद्दे में मुझे लगता है कांग्रेस को इतराज नहीं करना चाहिए और किसी को भी इतराज नहीं करना चाहिए। वंदे मातरम को लेकर बीच में बात आती है तो वंदे मातरम को लेकर इतराज होने लगता है, राष्ट्रगान को इतराज लेकर भी इतराज होने लगा। मुझे लगता है वैसा तीखा विरोध कांग्रेस भी नहीं किया,
कांग्रेस का जो मैंने अभी बयान सुना है तो कांग्रेस ने यही कहा है कि संघ कार्यालय में ऐसा नहीं होता। तो भाई संघ की बात आप संघ की अलग से करिए, लेकिन अगर देश में कोई राष्ट्रगान की बात कर रहा है, हर स्कूल की बात कर रहा है, हर मदरसे की बात कर रहा है, हर गुरुद्वारे में कोई संस्था है वहां की बात कर रहा है, तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ये तो राष्ट्र, इससे तो राष्ट्रभक्ति की भावना आएगी बच्चों में, ये तो अच्छी बात है, इसको होना चाहिए। बल्कि सही मैसेज कन्वे करना चाहिए था यहाँ पर, बजाय कि संघ का उदाहरण देना, संघ का एग्जाम्पल ना दिए बगैर भी अगर ये कह देते कांग्रेस के प्रवक्ता या विपक्ष, अगर ये कहता कि ठीक है सरकार कदम आगे बढ़ाए, हम तो इसकी सराहना करते हैं, हम साथ देने को तैयार हैं, तो आज बहस की नौबत नहीं आती। लेकिन इम्तियाज अली साहब, वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम समाज का एक धड़ा है जो अड़ जाता है कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, क्या आपको लगता है कि मदरसों में अगर राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया जाए, हालांकि यहां पर मंत्री विजय शाह ने साफ कर दिया है कि ना सिर्फ मदरसे बल्कि जो तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें गवर्नमेंट एड मिलती है वहां सभी जगहों पर कंपल्सरी होना चाहिए राष्ट्रगान, क्या आपको लगता है कि मदरसे साथ देंगे? देखिए अपना जी, इस्लाम धर्म में स्पष्ट है कि पहले मेरा देश और उस देश का संविधान, तो भारत में रहने वाले मुसलमानों को इस पर कहीं भी एतराज़ नहीं है कि मदरसों के अंदर राष्ट्रगान ना हो या वहाँ पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाए। इस पर पूर्व में भी कई डिबेट हुए हैं, कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे को मुस्लिम समाज से जोड़कर ही क्यों देखते हैं। आज जो माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने किसी एक समुदाय या किसी एक धर्म की बात नहीं की है, उन्होंने गुरुद्वारों की बात की है, अन्य संस्थानों की बात की है, तो सभी संस्थानों के अंदर वंदे मातरम हो चाहे वो राष्ट्रगान हो, दोनों का गान होना चाहिए और वहां पर राष्ट्रीय गीत के साथ साथ ध्वजारोपण भी हो। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समाज को इसमें कहीं आपत्ति है। उत्तर प्रदेश के अंदर और अन्य राज्यों के अंदर भी देखा गया है कि वहां पर मदरसों के अंदर राष्ट्रगान गाया जाता है और बच्चे और वहां के जो भी उलेमा हज़रात हैं उसके अंदर पूरी तरह भागीदारी निभाते हैं। इस विषय पर बीच बीच में राजनीतिक दलों द्वारा जो कटुता लाई जाती है या ऐसा भाव लाया जाता है कि मुस्लिम समुदाय या मदरसे इसका विरोध कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल नहीं है। इसके लिए चाहें तो एक ओपिनियन पोल करा लें, मदरसों के साथ एक बैठकर बातचीत कर लें, वहां के बच्चों में जब राष्ट्रीय गान की बात की जाएगी, राष्ट्रीय गान होगा, तो राष्ट्रीय महत्व को वो समझेंगे, राष्ट्र के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का वो पालन करेंगे और आने वाले विकसित भारत में अपनी सहभागिता मदरसे भी देंगे, क्योंकि मदरसे एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम शुरुआत से रहे हैं। भारत के अंदर मदरसों का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और इन मदरसों से बड़े बड़े लोग जो है पढ़कर निकले हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त की है। तो मदरसों को इस तरह से कहना कि मदरसों के अंदर कट्टरता है, मदरसों में कट्टरता नहीं है, मदरसों के अंदर आज भी राष्ट्रीयता की बात की जाती है और राष्ट्रगान का विरोध मदरसे नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन पहले आशीष जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, सरकार आपकी, मंत्री आपके, सुझाव आपका, करना है आप कदम उठाइए, साथ देने की बात कांग्रेस ने की है, हालांकि संघ का जो एग्जाम्पल दिया है उस पर तो जवाब लूंगी मिथुन अहिरवार से, लेकिन आपसे मेरा सवाल यह है, आपकी सरकार से राष्ट्रगान को अनिवार्य कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, हमने भी बचपन से अपने स्कूल में राष्ट्रगान गाया है, पार्टिसिपेट किया है, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बुनियादी सुविधाएं बच्चों को चाहिए ताकि हर वर्ग का बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सके, स्कूलों में जो एमिनिटीज होनी चाहिए पहले उन्हें भी दुरुस्त कीजिए, मदरसों में हिंदू बच्चे कैसे पढ़ने पहुंच रहे हैं इसकी जिम्मेदारी लीजिए, इसको देखिए, इसको भी तो देखना होगा ना आशीष जी। पर डिबेट होती होगी कि राष्ट्रगान अनिवार्य होना चाहिए, राष्ट्रगान अनिवार्य हर देश में होता ही है, हमारे लिए धर्म जाति मजहब सब बाद में है, सबसे पहले राष्ट्र, और ये बात तब भी उठती है जब कुछ लोग वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं कि हम इस माटी की पूजा नहीं कर सकते, इस देश की वंदना नहीं कर सकते, इसलिए बात निकल निकल कर सामने आती है, अन्यथा तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान जनगण मन वंदे मातरम राष्ट्र गीत हो, इन सबको दोहराना हर भारतीय का न सिर्फ कर्तव्य है बल्कि राष्ट्र के प्रति उसके समर्पण या उसकी भावना के प्रकटीकरण का एक माध्यम है। रही बात मध्य प्रदेश की सरकार ने, तो चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, शिक्षा को लेकर जितना अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है इतना पहले कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ। सीएम राइज जैसे स्कूल इस मध्य प्रदेश में खुल रहे जहां गरीब बेटा बेटी को लाने की जिम्मेदारी भी सरकारी स्कूल वाहन से होगी, उच्च स्तर की शिक्षा प्रणाली का विकास हमारी सरकार ने किया है,
और अब पीएम श्री विद्यालय भी पूरे भारतवर्ष में खुलने जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, मदरसे भी आधुनिक शिक्षा को ग्रहण कर सके, दीनी मजहबी तालीम के साथ साथ चाहे कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो उसे राष्ट्र के प्रति भी वहां के विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए राष्ट्रगान, झंडा वंदन ऐसे कामों को अनिवार्य करना ही चाहिए। सुझाव समय समय पर आते रहे हैं और सरकार इस दिशा में विचार न सिर्फ करेगी बल्कि ये तो होना ही चाहिए हर भारतीय नहीं ये तो होना ही चाहिए तो कहा ही जा रहा है कि होना ही चाहिए। मिथुन अहिरवार जी, एक तरफ कांग्रेस से कहती है कि ये तो होना ये होगा तो हम साथ देंगे, दूसरी तरफ घुमा फिरा के संघ का एग्जाम्पल क्यों? देखिए सबसे पहली बात ये है कि आप पैकेज में भी जो बातें बताई गई, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सज्जन है विजय शाह जी, ये 2017 में भी मंत्री थे और उन्होंने तब भी इस तरीके की बात की थी। तो 2017 से 2024 तक 7 साल लग गए आपको और आज भी यदि आप लागू नहीं करवा पाए तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या शिवराज सिंह चौहान जी की वजह से आप लागू नहीं करवा पा रहे थे? क्या मोहन जी के आने के बाद आपकी उम्मीदें बढ़ गई हैं? पहली बात। दूसरी बात ये, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों के बीच का डिफरेंस शायद आरएसएस के लोगों को नहीं पता। यही कारण है कि आरएसएस के भैया जी जोशी, इन्होंने कहा था कि हमारा जो राष्ट्रगान है वो वंदे मातरम को होना चाहिए ना कि जनगणमन को। कल्याण सिंह जी हो चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, उन्होंने कहा कि इसमें अधिनायक शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर के एक मत नहीं, और मध्य प्रदेश में हमारे साथ विधायक जी बैठे हैं, ये बताएंगे कि यदि राष्ट्रगान और राष्ट्र गीत को आप लागू नहीं करवा पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश के लिए अलग से आप एक मध्य प्रदेश गान भी ले आए हैं। चलिए खैर वो सब तो आप करवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश की मूलभूत सुविधाएं हैं, मध्य प्रदेश में 10,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है, 27,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर लाइब्रेरी नहीं है, 50,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर कंप्यूटर्स की सुविधा नहीं है, अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वान रोज अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, आप लाठी डंडे मारते हैं उनको, केस में आप फंसा के उनको भगा देते हैं, उनको आप नियमित कर नहीं रहे, तो मध्य प्रदेश में सुविधा देंगे नहीं, बच्चे पहुंचेंगे नहीं, शिक्षक पहुंचेंगे नहीं, बजट देंगे नहीं। राष्ट्रगान की आप यदि बात करते हैं तो वो भी आपकी निकम्मी सरकार यदि लागू नहीं करवा पा रही है तो कांग्रेस तो साथ देने को तैयार है, करवाइए ना। आज भी जो मेरी जानकारी है मदरसों में 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रगान गाया जाता है, मध्य प्रदेश में मदरसों में गाया जा रहा है और विजय शाह जी बोल रहे हैं कि अन्य स्कूलों में भी लागू कराया जाएगा, तो ये अन्य स्कूल आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री रहे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, उनके रहते कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल अड़चने हैं, कौन रोक रहा है आपको इसको लागू करने से? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। ठीक है आशीष जी, जवाब लूंगी मैं, लेकिन जो आपने एग्जाम्पल दिया है भैया जी जोशी का, तो उन्होंने ये कहा जरूर था कि होना चाहिए, लेकिन ये भी कहा था कि जब जनगणमन हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, तो हमें इसका सम्मान करना होगा क्योंकि संविधान के तहत ये हमारा फर्ज है, दायित्व है, ये उनका पूरा स्टेटमेंट था आशीष शर्मा जी। लेकिन बुनियादी सवाल तो यहीं पर घूम फिर कर आता है, आपकी सरकार आपके मंत्री का सुझाव, इतना समय लग गया अभी भी अनिवार्य किया जाए, ये वो वापस से कह रहे हैं ये बात, और दूसरा सवाल तो यही कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बुनियादी स्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूल में, एजुकेशन का माहौल होना चाहिए, वो कब दीजिएगा सर? लगता है मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी पिछले 10 वर्षों से मध्य प्रदेश में घूमा नहीं है। जिस तरह इनके नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा निकाली उसमें उनको भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का विकास नहीं दिखा, मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास नहीं दिखे, उसी तरह कांग्रेस के नेताओं को भी मध्य प्रदेश के स्कूलों की सुविधाएं नहीं दिख रही है। आज मध्य प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में स्मार्ट टीवी पहुंच चुका है, वर्चुअल पढ़ाई हो रही है, आपके समय काटपट्टी पर पढ़ाई होती थी, आज बेंचे पहुंच चुकी है, नए स्कूल भवन हमने बनाए हैं, बच्चों को साइकिलें दी है, स्कूटी दे रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर दे रहे हैं मेधावी छात्र छात्राओं को, 12वीं तक किताबें दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, ये सब चीजें शायद आपको पता नहीं। और रही बात समय समय पर इस देश में इस तरह के सवाल उठते आए हैं, जब कुछ लोग राष्ट्रगान गाने पर मना करते हैं, कुछ लोग उसके धार्मिक शब्दों पर एतराज जताते हैं, तब इस देश में सवाल उठता है, अन्यथा भारत में राष्ट्रगान गाना, राष्ट्रगीत गाना, ध्वजारोहण करना और अब तो घर घर तक तिरंगा हम लोग फहरा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भी की गई है, तो हमारा ये राष्ट्र के प्रति समर्पण है। और जो संस्थाएं जो व्यक्ति
इनको करते हैं वो कभी उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठती, और जहां गाये बगाये इस तरह के समाचार आते हैं कि अमुक संस्था के द्वारा ध्वजारोहण नहीं किया गया, राष्ट्रगान गाने से मना किया जा रहा है, तब इस तरह की बातें समाज में आती है। हाँ। निश्चित ही पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर संस्थान में, हर शैक्षणिक संस्था में राष्ट्रगान अनिवार्य होना ही चाहिए। ठीक है, मैं तुझे जवाब लूंगी, मैं आपसे, लेकिन उससे पहले दिनेश निगम के आगे जी, हम इस तरह की पहल देखते हैं, हर बार बात होती है राष्ट्रगान आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, लेकिन कई ऐसे मौके होते हैं जब हमारे माननीय 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जब जाते हैं झंडा रोहण करने के लिए और खुद ही दो लाइन के आगे ही नहीं गीत राष्ट्रगान गा पाते हैं। ये भी तो एक ऐसी स्थिति है ना कि सिर्फ पालन करवाने के लिए मत करवाइए, राष्ट्रहित की बात है, राष्ट्र नीति की बात है, तो उसे आपको जीना होगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। कई बार तो कई चैनल जो है ये सर्वे तक करते हैं कि कितने नेता लोग राष्ट्रगान गा लेते हैं कि नहीं गा पाते हैं, राष्ट्रगीत गा पाते हैं कि नहीं, गा लेते हैं कि नहीं गा पाते, उनको आता है कि नहीं आता है, और कई बार ये बहुत बहुत दुखद स्थिति देखने को मिलती है कि दो लाइन तीन लाइन के बाद उनको पूरा नहीं आता है। उसकी वजह मुझे लगता है यही है, अगर स्कूलों में, मदरसों में, सभी संस्थाओं में इसको अनिवार्य कर दिया जाए, रोज हो, तो सबको याद हो जाएगा, रट जाएगा, अभी भी रटा रहता है, होता है संस्थानों में, कई अवसरों पर 15 अगस्त, 26 जनवरी या दूसरे अवसर होते हैं उनमें राष्ट्रगान राष्ट्रगीत होते हैं, जहां जहां जैसा होना चाहिए, अब कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। तो दोनों बातें हैं, एक तो राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को जहां लागू करना है वहां लागू करिए, मुझे अभी तक किसी की बात में ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई इसका विरोध कर रहा है, इतराज कर रहा है। हाँ, राजनीति इसमें आड़े आती है, कहीं कुछ लोग होते हैं कुछ बोल देते हैं, मुद्दा बन जाता है, उस पर चर्चा होने लगती है। हाँ, स्कूलों में जो एक दूसरा मुद्दा स्कूलों की व्यवस्थाओं का है, ठीक है, सीएम राज स्कूल खुले हैं, लेकिन उनकी स्थिति कैसी है आप देख लीजिए, कितनी बिल्डिंगें बन गई हैं, सीएम राज में कितने चल रहे हैं, कितनी जगह आप जाइए कि पता चला आपको 100 बच्चे हैं और एक टीचर है, दूसरा टीचर ही नहीं है, कोई स्कूल ऐसा है जहां 10 बच्चे हैं वहां 10-15 टीचर हैं, तो ये असमानताएं स्कूलों में भी आपको बहुत देखने को मिलेंगी, सुविधाओं के नाम पर भी, व्यवस्था के नाम पर भी। तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ध्वजारोहण सब करिए, लेकिन उसके पहले व्यवस्थाएं सुधारिए, पढ़ने का माहौल तो दीजिए ना। आप देखिए, खबर अभी आई है, मतलब ये खबर भी है ना कि मदरसों में हिंदू बच्चे तालीम ले रहे हैं, मुरैना है, भिंड है, रीवा है, बड़ी संख्या में मदरसों में वहां पर हिंदू बच्चे हैं, सरकार को जवाब भी देना है उस मसले पर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और जहां पढ़ाई होगी बच्चे वहां जाएंगे, और उसमें जवाब वो आपका सवाल नहीं है। मान लीजिए मदरसों में वैज्ञानिक शिक्षा होती है, संस्कृत और मैथ भी पढ़ाई जाती है, और राष्ट्र से जुड़ी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो कोई भी जा सकता है। हाँ, जबरन पढ़ाई होती है, जबरन कहीं किसी को लाया जा रहा है, तो अलग मुद्दा, अलग विषय, जाँच का विषय, कार्रवाई का विषय है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में सारी सुविधाएं देना, सारे बच्चे आना, और जो ये बात कही गई है बिल्कुल सही बात है कि इतने साल बाद क्यों कह रहे हैं कि अनिवार्य करना चाहिए, इसको तो कब का अनिवार्य हो जाना चाहिए, और भाजपा जैसी पार्टी सत्ता में इतने साल से, इसके बाद भी अगर अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है, और मंत्री को कहना पड़ रहा है मुख्यमंत्री के सामने कि इसको जो है अनिवार्य किया जाना चाहिए, मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, तो बहुत ही दुखद स्थिति है, मुझे लगता है इस ओर ज्यादा गंभीरता से ध्यान देना चाहिए सरकार को। ठीक है, इम्तियाज अली जी, उलेमा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका यह बयान आया है कि सरकार को थोपना नहीं चाहिए, अगर कोई निर्णय राष्ट्रहित के मद्देनजर लागू किया जाता है और उसको, उसका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, समान तरीके से हो, तो कई बार उसे कंपलसरी भी करना पड़ता है, तो फिर उलेमा बोर्ड को एतराज क्यों हो सकता है भला? देखिए, एक राष्ट्र में दो नियम नहीं हो सकते। भारत का संविधान जो कहता है, वो मध्य प्रदेश शासन ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन सभी पे अनिवार्य है, उसमें ये नहीं है कि कुछ लोगों पर एतराज है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिला स्तर पर ऐसी राष्ट्रगान समितियाँ गठन होना चाहिए, और उस कमेटी के अंदर वहाँ स्थानीय जो शहर काजी हैं उनको भी सम्मिलित करना चाहिए, और सभी ऐसे मदरसे जो कि मदरसा बोर्ड से पंजीकृत हैं या नहीं है, उन सभी पर अनिवार्य तौर पर राष्ट्रगान गाने और ध्वजारोहण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रगान गाना जो है किसी आपराधिक श्रेणी के अंदर आता है या उससे किसी तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मेरा आपके इस मंच के माध्यम से अनुरोध है कि मुस्लिम समुदाय को और विशेषकर मदरसा संचालित करने वाले सभी संचालकों को आगे आकर अपने अपने मदरसों के अंदर राष्ट्रगान का आह्वान करना चाहिए और वहां पर ध्वजारोपण करना चाहिए और देश में एक सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए, क्योंकि मदरसों के अंदर हिंदू बच्चे अगर पढ़ते हैं तो पूर्व का इतिहास उठा के आप देख लीजिए कि पहले हिंदू मुस्लिम सभी
अच्छे मदरसों के अंदर पढ़ा करते थे। आज जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है उस नीति के अंदर भी मदरसों का आधुनिकीकरण और मदरसों के अंदर अन्य शिक्षा का समावेश करके एक बेहतर मदरसा शिक्षा प्रणाली को विकसित करके काम किया जा रहा है और इसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक आएंगे। पिछले 10 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का जो स्तर है वो बड़ा है। मुस्लिम समुदाय के कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के अंदर चयन हुए हैं, चाहे IAS हो, IPS हो या कैट की परीक्षाएं हो, तो एक वातावरण निर्मित हुआ है। ऐसे वातावरण के अंदर चाहिए कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो और मदरसों के अंदर जो समस्याएं हैं उनका समाधान सरकार करे। आज कई वर्षों से मदरसों को जो है मदरसों संचालकों को तनख्वाहें नहीं दी गई है, उन तनख्वाहों का भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। हाँ, तनख्वाहें की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए, लेकिन जो फंड भी मिलता है ना मदरसों का, उसको लेकर भी मदरसों की ट्रांसपेरेंसी भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। आर्थिक मदद कई परिवार है जो करते आए मदरसों की, लेकिन उसके बावजूद भी जो मदरसों का स्ट्रक्चर है वो क्यों नहीं एक ठीक हो पाता, उसको लेकर भी बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ। लेकिन मिथुन अहिरवार जी, बात यहाँ पर देखिए, आज देश में जितने मदरसे संचालित हो रहे हैं 90% मदरसे जो है वो जो मुस्लिम समुदाय द्वारा जो दान दिया जाता है उससे चलते हैं। मात्र 10% मदरसे ऐसे हैं जो कि सरकारी अनुदान पर चलते हैं, और वो अनुदान भी पिछले 5-6 वर्षों से निरंतर नहीं दिया जा रहा है। उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आशीष जी, आपका कॉमेंट इसी बात पर जी, आपका कॉमेंट सर इस बात पर कि राष्ट्रगान अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बाकी जो स्थिति है वो भी तो ठीक होनी चाहिए ना। सरकार ने जितने शैक्षणिक संस्थान है, मदरसा हो, संस्कृत पाठशालाएं हो या अन्य शैक्षणिक संस्थान, इन सब के विकास के लिए, आधुनिक सुविधाएं जुटाने के लिए लगातार काम किया है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इक्का दुक्का आपको आज छोड़ दीजिए, आज छोड़ दिए जाए तो आज शौचालय की व्यवस्था भी, पीने के पानी की व्यवस्था भी शैक्षणिक संस्थाओं में सरकार ने की है। वही लोग इस भारतीय समाज में हैं जो कभी योग का विरोध करते हैं कि योग करना हमारे धर्म की मान्यताओं के विपरीत है। ये वही लोग हैं जो इस तरह के 15 अगस्त 26 जनवरी को कहीं न कहीं से समाचार पूरे भारतवर्ष में इक्का दुक्का जगह से आते हैं, जिस जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर एक समय तिरंगा हमको नहीं फहराने दिया जाता था, वहां तिरंगा फहराने में बड़ी हिंसक घटनाएं होती थी। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नहीं नहीं तो वही तो बात है ना, क्यों आपके मंत्री तो आज सीएम के आगे बोलना पड़ा? क्या उनकी बात पर पहले अमल नहीं किया गया था? यही सवाल तो मुझे कई बार उठा रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ कि जब समाज से ऐसी खबरें आती है कि अमुक जगह पर राष्ट्रगान नहीं गाया जाता, अमुक जगह पर तिरंगा नहीं फहराया जाता, अमुक जगह पर वंदे मातरम नहीं गाया जाता, तब इस तरह की मांग समाज से उठती है। अगर ये सब दूर होता रहे तो इस तरह की मांग का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए कहीं ना कहीं अगर उनको लगा होगा कि उनके क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, हालांकि विजय शाह ने साफ कह दिया है कि प्राइवेट तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इस आदेश का पालन नहीं करते। मैं तो नई बार आपका एक लास्ट कॉमेंट, फाइनल कॉमेंट। देखिए, मैं केवल यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को मदरसों की इतनी चिंता है तो मदरसा बोर्ड में सबसे पहले अध्यक्ष तैनात करें। आशीष शर्मा जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो डेटा कोट कर रहा हूं विधानसभा में, स्कूली शिक्षा मंत्री रहते हुए इंदर सिंह परमार जी ने दिया था। तीसरी बात मैं कहता हूं, आपने वल्लभ भवन के सामने भी राष्ट्रगान गाने की बात कही थी, हर 1 तारीख को होना था, वो तक तो आपने बंद कर दिया। आपको इस बात पर सोचने की आवश्यकता है कि 2017 से 2024 तक अगर विजय शाह जी की मंत्री रहते हुए बात को आप नहीं मान रहे हैं तो इसके लिए शिवराज जी जिम्मेदार हैं, मोहन यादव जी जिम्मेदार हैं या स्वयं विजय शाह जिम्मेदार हैं, इसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी। साथ ही साथ बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं आपको देने की आवश्यकता है, नीति आयोग के डेटा के अनुसार 20 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश 15वें नंबर पर यदि शिक्षा में है, व्यापम जैसी व्यवस्थाएं आपने बनाई जिसमें वेब सीरीज और फिल्में बन रही हैं, पूरे देश का बदनाम, सब जगह बदनाम हो रहा है, नीट में वो व्यवस्था आप लोग ले आए, तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है इसको ठीक करिए। साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं आप करना चाहते हैं उसके कड़े कानून बनाइए, जो नहीं माने उस पर कार्रवाई। देखिए, जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है ना कि अगर पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है सरकार की ओर से तो आप भी साथ दें, बजाय कि संघ की बात लेकर आए पूरे बात का नैरेटिव चेंज कर दें। सबसे बड़ा नेगेटिव मैसेज इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो गाइडलाइन दी है राष्ट्रगान को गाने की, उसमें 4वें पन्ने के 5वें पॉइंट पे लिखा है कि सभी स्कूलों में गाने चाहिए और सभी जगह स्कूलों को इसलिए व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आपकी डबल इंजन की सरकार उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रही तो उसमें विपक्ष क्या कर सकता है, जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर विपक्ष ने साफ कर दिया है कि उसका रुख क्या रहने जा रहा है, सरकार किस तरह से इस सुझाव को अनिवार्य करने के लिए कदम बढ़ाती है, नजर रहेगी उसी पर। खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।